आपने हल्दीराम का पंचरत्न नमकीन तो बहुत बार खाया होगा। उसी पंचरत्न नमकीन आलू लच्छा को आज हम घर में बनाना बताएंगे। इसे हम दो तरह से बनाएंगे, एक व्रत के लिए और दूसरी बिना व्रत के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब पंचरत्न आलू लच्छा नमकीन बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 4 आलू लिए हैं, लगभग आधा केजी। सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया है ताकि उन पर लगी हुई सारी मिट्टी धुल जाए। अब इन आलूओं को एक पीलर की हेल्प से पील कर लेंगे। फिर इन्हें साफ पानी से धो लेंगे। इसके बाद एक ग्रेटर लेंगे। ग्रेटर हमें ऐसा लेना है जिससे आलू का लच्छा मोटा मोटा ग्रेट हो सके, क्योंकि अगर हम पतले लच्छे बनाएंगे तो वे तलते समय टूटकर चूरा बन जाएंगे। इसीलिए हमें आलू लच्छा मोटा ग्रेट करना है। इस ग्रेटर की हेल्प से हम एक एक करके सारे आलू ग्रेट कर लेंगे। फिर इन्हें एक बर्तन में डालकर अच्छी तरह हल्के हाथ से मसल मसल कर धो लेंगे ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए। इसी तरह हमने इस आलू लच्छे को 5-6 बार पानी बदल बदल कर धोया है। जब तक पानी बिल्कुल साफ ना हो, अगर इस लच्छे में थोड़ा सा भी स्टार्च रह जाएगा तो ये आलू लच्छा फ्राई करते समय एकदम लाल हो जाएगा। अच्छी तरह धोकर इस आलू लच्छे को एक छलनी में रख देंगे ताकि पानी निकल जाए। अब एक बर्तन में पानी गरम करेंगे। पानी हमें इतना गरम करना है, पानी में उबाल आना चाहिए। जैसे ही पानी उबलने लगेगा हम सारा आलू लच्छा उबले पानी में डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक पानी में रखेंगे। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आलू लच्छे को एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। फिर इसे एक कपड़े पर फैलाकर हल्का हल्का सुखाएंगे। हमने इसे बाहर धूप में नहीं सुखाया है, इसे घर में ही पंखे की हवा में 40 से 45 मिनट तक के लिए फैलाकर रखा है। इसे पूरे कपड़े पर अच्छी तरह फैलाकर छोड़ देंगे। बस आलू लच्छे का पानी सूख जाए और वो आपस में चिपके ना, इतना ही ड्राई करना है। अब एक पैन में 2-3 चम्मच तेल गरम करेंगे। फ्लेम एकदम लो रखेंगे। फिर इसमें 4 चम्मच मूंगफली के दाने डालकर रोस्ट करेंगे। फिर इसके बाद इन्हें निकालकर एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसके बाद 10-12 बादाम पैन में डालकर फ्राई करेंगे। फिर इसमें 10-12 काजू भी डालकर फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। इसके बाद 2 चम्मच किशमिश फ्राई करेंगे और फिर 1/2 कप के बराबर मखाने पैन में डालकर रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम आलू लच्छा फ्राई करेंगे। लच्छा भी हमारा
एकदम ड्राई हो गया है, ये देखिए बस इतना ड्राई करना था। कितना खिला खिला आलू लच्छा बना है, ये आपस में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। इसके लिए हमने एक पैन में आधा कप रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल को हम हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। अब इस आलू लच्छे को तेज गर्म तेल में फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे, इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो आलू लच्छा ज़्यादा तेल नहीं सोखेगा। जैसे ही लच्छा एकदम सिक कर क्रिस्पी हो जाएगा तो इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। फिर इसे एक टिश्यू पेपर पर फैला देंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अगर हम आलू लच्छे को धोते समय स्टार्च छोड़ देंगे तो ये फ्राई करते समय लाल हो जाता है और क्रिस्पी भी नहीं बनता। इसीलिए इस नमकीन को परफेक्ट बनाने के लिए आलू लच्छे को 5-6 या फिर इससे ज़्यादा बार धो लें ताकि सारा स्टार्च निकल जाए और आलू लच्छा एकदम खिला खिला हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम सारे लच्छे को एकदम क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। नमकीन में डालने के लिए हम थोड़ा करी पत्ता भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी सिककर तैयार हुआ है। इसे हाथ से क्रश करके दिखाती हूँ, कितना क्रिस्पी बना है। अब इस लच्छे से दो तरह की नमकीन बनाएंगे। पहले हम व्रत के लिए आलू लच्छा नमकीन बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने एक प्लेट में आधा आलू लच्छा लिया है। फिर इसमें 2 चम्मच फ्राई की हुई मूंगफली, फ्राई किए हुए 3 चम्मच मखाने और 2 चम्मच फ्राई किए हुए बादाम, काजू, साथ ही 1 चम्मच फ्राई की हुई किशमिश और 8-10 फ्राई किए हुए करी पत्ता डालेंगे। फिर इसमें 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी पाउडर ऐड करेंगे। नमक, काली मिर्च और शुगर पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप इसे मिलाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारा व्रत में खाने वाला लच्छा तैयार हो गया है। आप इसे व्रत में आराम से खा सकते हैं। अब बिना व्रत वाले आलू लच्छा पंचरत्न नमकीन बनाएंगे। इसे बनाने के लिए एक प्लेट में बाकी बचा हुआ आलू लच्छा ले लिया है। फिर इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। इसके बाद फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, फ्राई किया हुआ करी पत्ता ऐड करेंगे। नमक, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमने इसमें शुगर पाउडर नहीं मिलाया है, अगर आप पसंद करते हैं तो इसे मिला सकते हैं। फिर सभी मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी व्रत में खाने वाली नमकीन और बिना व्रत के खाने वाली चटपटी नमकीन। आप इसे कैसे भी बनाकर खाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी और क्रिस्पी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ।